नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। आज के विषय है हमारा कि जो HCS एग्जाम 2018 है वो कब होगा, और जो CSAT के ऊपर जो केस डला हुआ है, जो केस का स्टेटस क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको CSAT और GS दोनों ही की तैयारी करना, बहुत अच्छी तैयारी करना ज़रूरी है, और एग्ज़ाम क्या होगा, और ये केस का अभी फ़िलहाल में क्या स्टेटस है, और क्या CSAT का जो मार्क्स हैं जो जुड़ने वाले हैं वो जुड़ेंगे नहीं, इन विषयों पर हम बात करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देख लेते हैं हम सबसे पहले तो जो आपका टारगेट है HCS 2018, जिसमें लगभग 166 पोस्ट हैं, जो मतलब 150 प्लस पोस्ट हैं। लास्ट ईयर जो लास्ट टाइम था उसमें तो सिर्फ 55 पोस्टें थी, तब की बार काफ़ी अच्छी ज़्यादा पोस्टें हैं। तो आप अच्छे से मन लगा के तैयारी कीजिए। अब देख लीजिए किस प्रकार से, देखिए जो पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम से जो प्रीलिम एग्ज़ाम है उसके अंदर GS और CSAT दो एग्ज़ाम होंगे, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब सिस्टम क्या है, CSAT के मार्क्स हैं वो काउंट होंगे, ये 100 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो जुड़ेंगे। अब CSAT GS से भी, क्योंकि सबसे पहला हमारा ध्यान क्या रहता है कि प्रीलिम निकल जाए, तो उसके अंदर हमें GS पे तो फोकस करना ही करना है। अब CSAT हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है क्योंकि इसके तो मार्क्स जुड़ने हैं, तो CSAT के हमें और अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या है, जिसका क्वांट एप्टीट्यूड है वो रीजनिंग है और इंग्लिश पैराग्राफ है, तो इस टाइप से जो चीज़ें हैं इसका मैं जो CSAT होता है UPSC पैटर्न पे लिया है, लेकिन UPSC में तो सिर्फ पासिंग मार्क के लिए होता है, सिर्फ पास होना होता है दोनों ही पेपरों में। लेकिन इसी बात को लेके क्या है, कुछ जैसे लोगों ने है क्या इस पर केस लगा रखा है, लेकिन कहीं अभी तक इस पर स्टे नहीं है, तो ये इस केस की वजह से ही जो एग्ज़ाम है वो अभी लेट हो गया है। तो आपके पास टाइम है, अभी 2 मंथ आराम से जनवरी में होगा ये तो श्योर है, और तब तक के जिन दोस्तों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की या अच्छे से नहीं स्टार्ट कर रखी है, या जो भी आपका जो पोर्शन है GS अच्छा है CSAT अच्छा नहीं है, तो आप अपना CSAT भी अच्छे से तैयारी कर ले, अभी आपको टाइम मिल चुका है तो आप अच्छे से तैयारी करें। मेंस एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश हिंदी दो जो ये हमारे लैंग्वेज के हैं, 100 का भी ये और 100 का ही ये होगा। अब GS का होगा एक 100 मार्क्स का, और ऑप्शनल दो सब्जेक्ट हैं, ये 150 150, तो ये 300 मार्क्स हो गए, और इंटरव्यू है वो 75 का, तो टोटल ओवरऑल आपका जो 675 तो इसका हो गया। और अभी कह रहे हैं कि जो CSAT है वो 100 मार्क्स का काउंट होगा, तो चलिए देखते हैं। हमें तो तैयारी करने से मतलब है, अच्छे से तैयारी करते हैं वो अलग बात है। अब देखिए जो CSAT की सुनवाई थी हाईकोर्ट की, हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है, तो वो 9 तारीख की थी, 9 अक्टूबर की, तो लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं आया। तारीख नेक्स्ट है, डेट है वो 31 अक्टूबर को है, तो देखते हैं CSAT का जो मार्क्स हैं वो क्या करते हैं, वो HPSC और हाई कोर्ट के निर्णय पर ही आधारित होगा, HPSC क्या निर्णय लेता है इस बारे में। लेकिन हमें इन चीज़ों को छोड़कर सबको हमें अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। GS भी बहुत, क्योंकि मेंस में भी GS आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और CSAT भी, तो आप CSAT की प्रैक्टिस लगाइए। क्वांट एप्टीट्यूड है, पैराग्राफ हैं, रीजनिंग है, उनको सॉल्व कीजिए। जो UPSC आधारित होता था वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक CSAT का जो PDF है वो दे दूंगा, तो उस आधार पे आप थोड़ा मूल्यांकन कर सकते हैं। तो अच्छे से अपनी तैयारी में जुट जाइए, आपके पास टाइम मिला है तो इसका आप बेनिफिट उठाइए, किसी बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमने HCS के लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है, अभी तक 28 लेक्चर हो चुके हैं, तो वो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, और HCS नाम से ही, HCS 2018 नाम से ही एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें 28 लेक्चर जो GS के हैं, उसमें हरियाणा करंट अफेयर भी है, हरियाणा GK भी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ चल रहा है। तो इसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूँ कि आप मेरा ऑनलाइन कोर्स एक प्रोवाइड है, तो वो आप लेना चाहते हैं तो 4500 क्वेश्चन का एक GS के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए बेटर है ये,
ज़्यादातर तो प्री के लिए ही है, क्योंकि मेंस में तो आपको लिखना होगा, तो प्री के लिए ये एक पैकेज है आपके लिए 4500 क्वेश्चन का, जो 1999 रुपये में है। अधिक जानकारी के लिए आप इस पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको, हिस्ट्री 800 क्वेश्चन, इसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, एग्रीकल्चर, हरियाणा जी के करंट अफेयर, और इसके साथ साथ आपको मैं टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, टेस्ट भी आपको मिलते रहेंगे। तो आप किसी भी बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो बस जो केस है वो सी सेट का, उस पर तो 31 अक्टूबर को सुनवाई है, तो तब तक आप वेट करिए, जो HPSC का निर्णय होगा। आप देख सकते हैं हाई कोर्ट की डेट है 9 अक्टूबर को, कोई फैसला नहीं आया इस चीज़ पे, और ये आपका पैटर्न है। तो सी सेट ध्यान में रखिए, सी सेट के नंबर काउंट होंगे, तो आप इसको भी ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। क्या पता इसको कैंसिल करें ना करें, व्हाटएवर जो भी वो उनका हेडिक है, हमारा हेडिक है तैयारी करना। तो अपनी अच्छे से तैयारी में जुट जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेस्ट सीरीज लगाइए। जो टॉपिक में आपको डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और आप व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो इसमें बस इतना ही बताना था आपको, एक इन्फॉर्मेशन थी ये, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि सी सेट का क्या है और कब तक एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम है वो जनवरी से पहले नहीं होगा, दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक में चांसेस हैं, ज़्यादातर तो जनवरी में ही होगा श्योर है, क्योंकि जो HSRC के एग्ज़ाम है वो दिसंबर में, ज़्यादातर नवंबर और दिसंबर में। तो बस इतना ही बताना था, जो वीडियो नंबर 29 है वो जल्दी लेके हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।